कांग्रेस नेता राहुल गांधी के लंदन में दिए गए बयान को लेकर राजनीति गरमाई हुई है। लगातार पांचवें दिन आज फिर से संसद की कार्यवाही नहीं चल सकी। लगातार हुए हंगामे के बाद कार्यवाही को सोमवार तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। सत्ता पक्ष लगातार राहुल गांधी से विदेशी धरती पर देश का अपमान करने का मुद्दा उठा रहा है, तो वहीं कांग्रेस का ये कहना है कि सरकार अहम मुद्दों पर चर्चा से भाग रही है, इसीलिए वो ये मुद्दा लगातार उठा रही है। आपको बता दें कि आज भी राहुल गांधी लोकसभा पहुंचे, लेकिन लगातार सदन में हंगामा होता रहा और वो कुछ भी नहीं बोल सके। मैं आपसे आग्रह करता हूं कि सदन को चलने दें। आपको नारेबाजी करने नहीं भेजा सदन में, देश की जनता देख रही है, इसलिए मेरा आपसे आग्रह है सदन को चलने दें। हाउस ऑर्डर में आएगा मैं सबको बोलने का मौका दूंगा, हाउस ऑर्डर में आएगा सबको बोलने का मौका दूंगा, लेकिन इस तरीके से बिना हाउस ऑर्डर के आप खड़े रहेंगे बोलने का मौका नहीं देंगे। सदन नहीं चलाना चाहते आप, हाउस ऑर्डर में आएगा माननीय सदस्य सबको मौका देंगे, लेकिन हाउस ऑर्डर में आना चाहिए, आप नहीं चलाना चाहते। सदन की कार्रवाई सोमवार दिनांक 20 मार्च 2023 को 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। सही मायने में अनफॉर्चुनेट है कि वो सांसद हैं, क्योंकि जिस सदन का वो हिस्सा है उसी को ही बदनाम करने का, उसी के बारे में झूठ फैलाने का काम वो विदेशी धरती पर करते हैं। एक के बाद दूसरा झूठ बोलना उनकी आदत बन गई है। सदन में आए, माफी मांगे, आप झूठ बोले बाहर और यहाँ पर आकर अपने आप को दिखाएं कि वो सदन से बड़े हैं, संसद से बड़े हैं, देश से बड़े हैं, एक परिवार क्या सबसे बड़ा है? उनको अनकंडीशनल अपॉलॉजी मांगनी चाहिए, माफी मांगने की बजाय वो ये शर्त रख रहे हैं कि उनको यहाँ पर बोलने का मौका दे। भाई सदन में तो आए। उधर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने राहुल गांधी पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि वो देश विरोधी टूल किट का हिस्सा हैं। राहुल ने विदेशी धरती पर देश का अपमान किया है और इससे जनता में गुस्सा है, उन्हें अब माफी मांगनी ही पड़ेगी। जनता द्वारा बार बार नकार दिए जाने के बाद अब राहुल गांधी इस देश विरोधी टूल किट का परमानेंट हिस्सा बन गए। राहुल गांधी विदेशी धरती पर देश का अपमान कर रहे हैं, सदन का अपमान कर रहे हैं, देश की पूर्ण बहुमत से चुनी हुई सरकार का अपमान कर रहे हैं और देश के 130 करोड़ जनता का अपमान कर रहे हैं। राहुल गांधी जी, आपने विदेश की धरती पर कहा कि भारत में लोकतंत्र खत्म हो गया है और यूरोप और अमेरिका इसमें दखल देना चाहिए, इससे शर्मनाक बात क्या हो सकती है? राहुल जी, आपको यह कृत्य स्वतंत्र भारत के इतिहास का सबसे गंभीर मामला है, इससे जनता को भारी आक्रोश है, जन प्रतिनिधियों में भी आक्रोश दिख रहा है, हर राष्ट्रभक्त सांसद इस समय अंदर से आहत है। राहुल गांधी, आपको देश के खिलाफ इस पाप के लिए देश की जनता से माफी मांगनी ही होगी। राहुल गांधी जी, आप विदेशी धरती पर भारत को बदनाम कर रहे हैं, जबकि आज दुनिया में भारत को सलाम कर रही है दुनिया, देश की जनता आप पर विश्वास नहीं करती है। यही कारण है कि आज आपकी पार्टी को देश से लगभग सफाया हो चुका है। जब भी भारत में संसद का सत्र शुरू होने वाला होता है, देश विरोधी टूलकिट गैंग अचानक से एक्टिव हो जाती है। कभी पेगासस की झूठी रिपोर्ट पब्लिश हो जाती है, कभी आंदोलन को भड़काया जाता है, कभी कोई डॉक्यूमेंट्री आ जाती है, कभी कोई विदेशी अखबार की रिपोर्ट को लेकर हंगामा किया जाता है। वो खुद ही एंटी नेशनल है और दूसरों को एंटी नेशनल बोल रहे हैं, क्योंकि उनके पास कोई मुद्दा नहीं है कि आज जो सामान्य जनता फेस कर रही है अनएम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन, उसको छिपाने के लिए, उसको ये करने के लिए ये सारी बातें कर रहे हैं। ये नड्डा जो बोल रहे हैं ये सरासर गलत है, ऐसे स्टेटमेंट को मैं कंडम करता हूँ और कोई माफी मांगने का सवाल नहीं है। हम जमकर उत्तर उसमें पार्लियामेंट में देंगे।
कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने तो कहा कि माफी मांगने का सवाल नहीं है, लेकिन बीजेपी राहुल गांधी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के पक्ष में है। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने नियम 223 के तहत नोटिस देकर विशेष समिति बनाकर राहुल के लिए बयान को देखने और लोकसभा में उनकी सदस्यता खत्म करने की मांग की। केंद्र सरकार के 8 वरिष्ठ मंत्रियों की कल संसद भवन में बैठक भी हुई थी, जिसमें आने वाले दिनों में राहुल गांधी के खिलाफ आगे की रणनीति तय की गई है। ये जो राहुल गांधी हैं, ये कैजुअल लीडर हैं, और पार्लियामेंट में, लोकतंत्र में जैसे उनकी दादी थी, उसी तरह से उनका कोई विश्वास नहीं है। वो हैबिचुअल ऑफेंडर हैं। हैं कौन राहुल गांधी? एक मामूली सांसद है ना, कांग्रेस के लिए कुछ भी होंगे। यहाँ तो वो मामूली सांसद है ना, वो कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष नहीं है, पार्लियामेंट्री पार्टी के नेता नहीं है, लीडर ऑफ द सिंगल लार्जेस्ट अपोजिशन पार्टी नहीं है, हैं क्या? एक मामूली सांसद है, कांग्रेस के लिए बड़े तोप होंगे, लेकिन इस पार्लियामेंट के तो के लिए जैसे मेरी हैसियत है वैसे राहुल गांधी की हैसियत है। तो यदि उसके बारे में पूरी कांग्रेस पार्टी पूरी इकट्ठा होकर एक जो है कैजुअल लीडर के लिए खड़ी होती है, तो उनके बुद्धि पर तरस आता है।